कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा 9 माह में मुकम्मल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की वाज़े हिदायत। सिंध हुकूमत को हतमी डेडलाइन दे दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि FWO को पैसे बनाने के लिए काम नहीं दिया गया। FWO के वकील से इस्तफ़सार किया कि आपके पास तजर्बा है इस काम का? वजीर आला की रिपोर्ट पढ़ें, उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं आता। कराची में रफाही प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कमिश्नर को तमाम इलाकों में कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अप्रूवल दिखा रहे हैं, ये सब जाली कागजात हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कुट्टी खत्म, हुकूमत और अपोजिशन में मफाहमती फजा बनने लगी। नून लीग का इंतखाबी असलाहत कमेटी में शमूलियत पर गौर शुरू। शहबाज शरीफ जेल से मामलात देखने लगे। दौरे अफगानिस्तान के पार्लियामेंट वफद में राणा तनवीर शामिल। काबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत न मिलने पर दौरा मुलतवी। कर्जों की किस्तों पर हर साल इजाफा होता जा रहा है। ये बदकिस्मती से ऐसे कर्ज लिए जिससे दौलत में इजाफा नहीं हुआ। दौलत में इजाफा होगा तो कर्जों की किस्तें अदा कर सकेंगे। नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब कर्जा वापस किया। हमने 2.5 बरस में 35,000 अरब कर्जा वापस किया। वजीर आजम इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा कर्ज अदा ना करना पड़ता तो यही पैसा तालीम और सेहत पर लगाते। डस्का इलेक्शन वाज़े अक्सरियत से जीतेंगे, राणा सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबित हो गया पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन की दाई और विफाकी हुकूमत उनकी बाईं जेब में है। नून लीग के खिलाफ कार्रवाई पर तरीन ने कभी नहीं कहा कि जुल्म हो रहा है। आज तरीन खुद कह रहे हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। किसी के साथ भी जुल्म की हिमायत नहीं करते। करप्शन के खात्मे के लिए निजाम में इस्लाहत जरूरी है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिकवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पटवारी हुकूमत में आवाम का इस्तेहसाल होता था। तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का एहतजाज। डी चौक पर धरना, पुलिस की नफरी तैनात। पार्लियामेंट जाने वाली सड़क रुकावटें लगाकर बंद। कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स का PID सिग्नल के करीब धरना। प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा बहाल करने का मुतालबा। भारतीय सिफारतखाने के वकील की कुलभूषण केस में पैरवी से माजरत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर। शाहनवाज नून ने मौकफ इख्तियार किया कि मेरे पास कोई वकालतनामा नहीं।